नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन लैसिक्स फ्रूसीमाइड, फ्रूसी के बारे इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रूसीमाइड इंजेक्शन एंड व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ फ्रूसीमाइड इंजेक्शन एंड व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेस एंड ब्रांड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रूसीमाइड इंजेक्शन। दिस मेडिकेशन इज नोन एज ए डायरेटिक, डायरेटिक एंड वाटर पिल्स के नाम से भी जानते हैं। फ्रूसीमाइड इंजेक्शन इज यूज टू हेल्प टू ट्रीट फ्लूइड रिटेंशन, एडिमा एंड स्वेलिंग दैट कॉज्ड बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कोई भी सूजन शरीर में होती है या हार्ट की वजह से शरीर में सूजन आ जाती है, उसमें लैसिक्स या फ्रूसीमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ लीवर प्रॉब्लम, जैसे सिरोसिस हो जाती है, उससे शरीर में सूजन आ जाती है, उसमें भी फ्रूसीमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ कोई भी किडनी प्रॉब्लम है, उसमें भी फ्रूसीमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन हाई ब्लड प्रेशर। जो मरीज को हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको फ्रूसीमाइड इंजेक्शन दिया जाता है ताकि यूरिन का फ्लो ज्यादा हो जाए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सके, इसलिए फ्रूसीमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड फ्रूसीमाइड इज बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ मेडिसिंस कॉल्ड लूप डायरेटिक और वाटर पिल्स। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट देखते हैं। फ्रूसीमाइड इंजेक्शन के इस्तेमाल से बहुत से मरीजों को डिजीनेस, चक्कर आने लगता है, हेडेक होता है, धुंधला दिखने की समस्या आ जाती है कभी कभी, जैसे ब्लरीड विजन कहते हैं, और लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, एंड मसल क्रेम्स, और बहुत से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है किसी किसी मरीज को, जैसे स्किन में रेसेस आते हैं, रेडनेस हो जाती है, तो ये सब समस्या आती है। बहुत से इस तरह के साइड इफेक्ट हैं, तो ये साइड इफेक्ट हो गए। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस। लैसिक्स जो है इंजेक्शन, जो फ्रूसीमाइड है, वो लगाने से पहले अगर मरीज को कोई जानकारी है कि ये आपको नुकसान करता है, तो बिफोर यूजिंग फ्रूसीमाइड और लैसिक्स, टेल योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट, अवेयर करा दें कि ये समस्या है, क्योंकि बहुत से इसके साइड इफेक्ट होते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो दिस इज यूज्ड मोस्टली इन IM और IV स्लोली, जो है सेलाइन या कोई भर्ती मरीज, उसको सेलाइन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड जो मार्केट में है, मोस्टली सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसका प्रोडक्शन करती हैं। जो लैसिक्स है, ये सेनोफी एवेंटिस का ब्रांड है, बहुत फेमस ब्रांड है, जो बहुत इजिली से मार्केट में सभी जगह मिल जाता है। तो इसी के साथ साथ हम आज विराम देते हैं। नमस्ते।